जल्दी लेके चलो, मुझे पानी पीना है। भाभी लगता है ये प्लान फुस हो गया है। तो क्या हुआ अगर एक प्लान फुस हो गया तो? मेरे पास दूसरा प्लान है। तुम्हें एक और प्लान बना लिया है? नया प्लान नहीं है, उसी प्लान में मैंने दो प्लान बनाए। Buy one get one free? स्वेतलाना चल के बाहर नहीं आई तो क्या हुआ? कमरे में तो चहलकदमी की होगी उसने। मेरा खाना किसने बनाया था? उसी कुक ने मैम जो रोज बनाता है। इतनी सारी मिर्च डाली थी मेरे खाने में। मैम उसने मुझे जो खाना दिया मैं वो ले आई। और पानी भी नहीं रखा था मेरे ट्रे में। क्यों? नो मैम, पानी तो मैंने रखा। शट अप, जस्ट लीव इडियट। गलती से भी खाने में कोई इतनी मिर्च नहीं डाल सकता। जरूर किसी ने जानबूझकर मेरे खाने में मिर्च डाली। और अगर इस नर्स ने ट्रे में पानी रखा था तो वो पानी हटाया किसने? अनिकानी, काम ढूंढ क्या रहे? निशान। ये देखो, ये रहा सबूत। हमारा शक सही था, वो हम सबका पप्पू बना है। तुम्हें कैसे पता? आप खुद सोचिए दी। आपके खाने में मिर्च का ज्यादा होना, आपके रूम के ठीक सामने पानी का ग्लास होना और अनिका का छुप छुप के आपके रूम पे नजर रखना, ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? It's obviously, ये सब उसकी चाल थी। I think वो ये कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी कि आप सच में चल सकती हो या नहीं। मुझे लगता है उसे मुझ पे शक हो गया है। Yes. ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे आ गई, वरना आपका झूठ पकड़ा जाता। दी, हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली अनिका से। ये वो सबूत है कि स्वेतलाना चल सकती है। हल्दी? हाँ, मैंने उसकी प्लेट के नीचे हल्दी लगा दी थी। ताकि जब वो प्लेट उठाए खाना खाने के लिए उसके हाथ में हल्दी लग जाए। इसका मतलब वो हल्दी वाले हाथों से चलकर यहाँ तक आई है सोफे के पास। बस वो सिर्फ बाहर नहीं आई क्योंकि वहां पे दिया आ रही थी। इसका मतलब है वो चल सकती है। तो फिर उसकी इंजरीज, वो व्हीलचेयर से गिरना, इनफैक्ट वो एक्सीडेंट सब नाटक था। इट वाज ऑल प्लान्ड, वेरी वेल प्लान्ड। वो अनिका अपने आप को बहुत चालाक समझती है। मैं तो आपको शुरू से ही वार्न कर रही थी दी, पर आपने और रोमी ने मेरी बात नहीं मानी और उस अनिका को लाइटली लेते रहे। अनिका हमारे रास्ते का सबसे बड़ा हर्डल ही नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ी थ्रेट भी है। इसीलिए हमें सबसे पहले उस अनिका को खत्म करना चाहिए। नो, इट्स टू लेट। अब हम अपने प्लान्स में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो सब उलझ जाएगा। हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। For God's sake, दी, अनिका ही हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क है। I understand,
अनिका से छुटकारा पाने के और भी तो तरीके हैं। मारना तो लास्ट ऑप्शन है और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अनिका को इस घर से और शिवाय की जिंदगी से ही बाहर कर दे तो। आपको लगता है ये आसान है दी? अनिका को मारने से भी ज्यादा टफ उसे शिवाय से दूर करना है क्योंकि शिवाय उसके अगेंस्ट एक वर्ड नहीं सुनता। शिवाय नहीं सुनता लेकिन कोई है जो सुनेगा भी और मानेगा भी। कौन? अनिका इस घर की बहू है और बहू की दुश्मन सास पिंकी। दुश्मन की दुश्मन हमारी दोस्त। ओके। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का फोन था। उसने कहा उसे स्वेतलाना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। कोई उसे नहीं जानता, ना उसका चाइल्डहुड, स्कूल, कॉलेज, बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं। जैसे उसने सब कुछ मिटा दिया। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में तो वो तभी से, जब से उसने ओबेरॉय इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया है बड़े पापा से। कितनी पहुंची हुई चीज है। इसका मतलब अपने गुजरे कल पे पूरा झाड़ू पोछा मार के बाहर निकली है। यू आर राइट अनिका, जितना हमने सोचा था उससे कहीं बड़ा थ्रेट है ये स्वेतलाना। यू नो व्हाट, ये नॉर्मल बिजनेस राइवलरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो टारगेट मैं होता, स्वेतलाना को यहाँ आकर रहने की जरूरत नहीं होती। अगर उसने इतना बड़ा रिस्क लिया है तो टारगेट सिर्फ मैं नहीं, ये पूरा खानदान है, ओबेरॉय खानदान है। इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। स्वेतलाना जरूर कोई मिशन लेकर यहाँ आई है, लेकिन मैं उसे उसका मिशन पूरा करने नहीं दूंगा। मेरी फैमिली तक पहुंचने से पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। शिवाय सिंह ओबेरॉय मर जाएगा पर अपनी फैमिली पर आज तक नहीं आने देगा। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ हूं। आपके दोनों भाई, दोनों बाजू हैं, ओंकार और रुद्र, वो भी आपके साथ। आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर स्वेतलाना का सामना करेंगे और उसे धूल भी चटाएंगे। थैंक यू। ऐसी सिचुएशन में तो मेरे साथ खड़े। Really means a lot.